हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मेरे बेल और मैं आज आप सबके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और ये फोर्थ पार्ट है जो इश्यूज एंड ट्रेंड्स इन एजुकेशन असम यूनिवर्सिटी सिलचर 2023 बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। सो आप में से जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और साथ ही साथ आप लोग रूबेल सर एकेडमी के साथ ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। सो ऑनलाइन क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा थ्रू UPI। आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फीस बस 100 रुपीज़ पे करना होगा। सो जब आप लोग मतलब इसका पेमेंट का रजिस्ट्रेशन करेंगे, पेमेंट देंगे, उसका स्क्रीनशॉट मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना 9101467653। सो इस नंबर पे आप लोग भेज देना ताकि मैं आप सबको ऐड कर सकूं। और कैसे पे करेंगे आप लोग थ्रू UPI 9101467653, पेटीएम हो, जीपे हो या फ़ोनपे से आप लोग पे कर सकते हैं। सो उसके बाद आप लोग रजिस्ट्रेशन करके अपना पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो भेज देना ताकि मैं जो प्रीवियस जो PDF दिया वो आप सबको प्रोवाइड कर सकूँ। और साथ ही साथ जो संडे क्लास होगा उसमें ज्वाइन कर सकेंगे आप लोग। सो देखिए, जो पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 21, अंडर वुड डिस्पैच इन 1857। सो 1857 नहीं है, देखिए अंडर वुड डिस्पैच कब आया था, 1854। सो 1857 पे देखिए 3 यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश। सो ऑप्शन ए बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, ऑप्शन बी कराची, ऑप्शन सी पेशावर, ऑप्शन डी लाहौर। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। सो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, अंडर वुड डिस्पैच इन 1857 3 यूनिवर्सिटीज़ वेयर एस्टेब्लिश, कहाँ पे हुआ, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। क्वेश्चन नंबर 2 यानी आज का सेकंड क्वेश्चन, इंडियन एजुकेशन कमीशन वाज एस्टेब्लिश अंडर द हेडशिप ऑफ, जो इंडियन एजुकेशन कमीशन एस्टेब्लिश किया गया किसके हेडशिप पे। ऑप्शन ए सर कैशलेस वुड, ऑप्शन बी लॉर्ड मैकुले, ऑप्शन सी सर विलियम हंटर, ऑप्शन डी सर थॉमस। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी सर विलियम हंटर। क्वेश्चन नंबर 23, रेस्पॉन्सिबल फॉर द करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन पाकिस्तान पाकिस्तान इज। सो ऑब्जेक्टिविटी करिकुलम विंग, ऑप्शन सी इफेक्टिव, ऑप्शन डी स्टूडेंट्स। सो देखिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करिकुलम विंग्स। सो देखिए इधर जो क्वेश्चन है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन पाकिस्तानी इज, सो पाकिस्तानी का तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं, सो इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं। सो इसमें हम लोग कह सकते हैं जो करिकुलम प्लानिंग वो किस में होता है, करिकुलम क्या होता है, करिकुलम का मतलब है पूरा साल का स्कॉलरस्टिक एंड को स्कॉलरस्टिक में क्या होगा उसको करिकुलम कहते हैं। और सिलेबस मतलब सिलेबस इज़ द पार्ट ऑफ करिकुलम। सो सिलेबस जैसे इंग्लिश में सब्जेक्ट रहता है उसका सिलेबस, हिंदी इसका सिलेबस, सो ऐसे सब्जेक्ट वाइज सिलेबस रहता है। करिकुलम पूरा ब्रॉड एरिया है, सो इसको स्किप कर सकते हैं बस आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेचर ऑफ द करिकुलम। सो देखिए करिकुलम का क्या नेचर है, ऑप्शन ए कंजर्वेटिव, ऑप्शन बी क्रिटिकल, ऑप्शन सी क्रिएटिव, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। सो कंजर्वेटिव होना चाहिए, क्रिटिकल होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, सिलेबस इज ए पार्ट ऑफ, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था स्टूडेंट, स्कूल, पेरेंट्स, करिकुलम। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी करिकुलम। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और साथ ही साथ जल्दी से जल्दी रूबेल सर एकेडमी के साथ जुड़ जाओ ऑनलाइन क्लासेस के लिए और PDF के लिए। थैंक यू।